विदिशा विधायक शशांक भार्गव द्वारा भागवत कथा कराई जा रही है, उसी में शामिल होने पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विदिशा पहुंचे। विदिशा पर प्रवेश के साथ ही रंगई स्थित हनुमान मंदिर के सामने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव सुभाष बोहत, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रियंका किरार, जिला महामंत्री अरुण अवस्थी सहित अन्य कांग्रेस जनों ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि राहुल गांधी देश में फैली अराजकता और भ्रष्टाचार के खिलाफ पवित्र उद्देश्य के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश में प्रवेश के साथ ही प्रदेश की सरकार और शिवराज सिंह चौहान इससे भयभीत हो गए हैं। आज राहुल गांधी मामा के जन्मस्थली पर जाने वाले थे, उनके पहले ही शिवराज सिंह चौहान ने मौके पर पहुंचकर कई झूठी घोषणा कर दी और उसके बदले में गौरव यात्रा निकाल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री, शिवराज सिंह चौहान और पूरी भाजपा भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी से भयभीत हो गई है। धर्म जाति मजहब में फिर देश को बांटना चाहता हूँ मोदी, वो माहौल खत्म करने के लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले तो कार्यकर्ताओं को डरे हुए लोग हैं, नरेंद्र मोदी से लेके शिवराज तक इतने डरे हुए हैं। आज राहुल जी को जाना है टांटिया मामा की जन्मस्थली पे, इतने डरे हैं शिवराज के, कल ही पहुँच गए वहाँ और तमाम घोषणाएं कर दी। घोषणावीर मुख्यमंत्री आदिवासी समझ गए हैं कि मोदी और शिवराज घोषणावीर हैं, ये हमारा भला नहीं कर सकते। यदि कोई भला कर सकता है तो इंदिरा गांधी जिन्हें किया था और उनके वंशज अब करेंगे। पाखंडी लोगों की यात्राएं से कोई फर्क नहीं पड़ता है, भारत जोड़ो यात्रा पवित्र उद्देश्य को लेकर राहुल गांधी ने की है, ये तो राजनीति के लिए कर रहे हैं। हमारी भारत जोड़ो यात्रा में राजनीति का कोई काम नहीं है, सिर्फ देश का वातावरण अच्छा हो, सारे वर्गों